हेलो, इस वीडियो में जेई मेन 2021 का इंडेफिनेट इंटीग्रल का ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम इस प्रकार के है कि साइन थीटा साइन टू थीटा साइन टू दीपा सिक्स थीटा प्लस साइन टू दीपा फोर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन टू दीपा फोर थीटा थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा। कंप्लीट सॉल्यूशन लास्ट में दिया जाएगा। हम इसको ये प्रॉब्लम को किस प्रकार से टैकल करना है जब ऑप्शन दिया जाता है उसको करेंगे। सो इसको आई मान लिया, यहाँ पे वन माइनस कॉस टू थीटा, इसका ये क्या होगा, ये इसका बराबर होगा, ये होगा टू साइन स्क्वायर थीटा और ये किसके बराबर होगा। तो ये लेने के बाद ये टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड ये कट जाएगा, तो बाकी का ये जो रहेगा उसमें हम एज्यूम करेंगे लेट साइन थीटा इक्वल टू जेड, तो डी जेड बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो हमारा आई जो है वो बन जाएगा क्या, जेड टू दी पावर सिक्स, जेड टू दी पावर फोर, जेड स्क्वायर ऑल इंटू टू टू जेड टू दी पावर फोर थ्री जेड स्क्वायर प्लस सिक्स डी जेड। यह ट्रांसफॉर्मेशन ये फॉर्मूला को लगाने के बाद इस प्रकार बन जाएगा। अभी यहाँ पे पावर सिक्स है, यहाँ पे फोर है, यहाँ का एक पावर अंडर कर देने से पावर फाइव हो जाएगा, यहाँ पे पावर सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे फाइव होगा। तो ये फाइव सिक्स पावर वाले को डिफरेंशिएट करने से इसको मिल जाएगा। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ से एक जेड को उधर घुसा देना है अंदर इसका रूट का, तो क्या होगा, जेड टू दी पावर फाइव जेड क्यूब जेड। तो यहाँ से जेड को अंदर करने से क्या होगा, टू जेड टू दी पावर सिक्स थ्री जेड पावर फोर सिक्स जेड स्क्वायर डी जेड। यहाँ से एक जेड कॉमन लेके इसको रूट के अंदर डाल दिया, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे लेट ये टू जेड टू दी पावर सिक्स थ्री जेड टू दी पावर फोर सिक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू से टी। तो फिर यहाँ पे ट्वेल्व 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 बन रहा है, ट्वेल्व जेड टू दी पावर फाइव जेड क्यूब जेड जेड पावर फाइव जेड क्यूब जेड डी जेड इक्वल टू डी टी। तो अब हमारा आई क्या बनेगा, जब फॉर आई इक्वल टू ये बाय डी टी बाय ट्वेल्व वन बाय ट्वेल्व इंटीग्रेशन रूट टी डी टी। और इसका इंटीग्रल क्या है, इसका इंटीग्रल होगा वन बाय ट्वेल्व टी टू द पावर थ्री बाई टू बाय थ्री बाई टू प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, वन बाय एटीन टी टू द पावर थ्री बाई टू, टी मतलब ये है और यहाँ पे जेड का मतलब साइन थीटा है, तो यहाँ पे जेड का मतलब साइन थीटा लिखना है, टू साइन टू द पावर सिक्स थीटा थ्री साइन टू द पावर फोर थीटा सिक्स साइन स्क्वायर थीटा पावर थ्री बाई टू प्लस सी। हमको आंसर ये मिला जो कि साइन में है, लेकिन जो भी साइन में आंसर है वो इसका इक्विवेलेंट नहीं है, इसके साथ सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। तो हमको कॉस में ट्राई करना होगा, कॉस में देखते हैं, कॉस में अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्रांसफॉर्म करना है होगा, फिर चेंज करना होगा ताकि कोई साइन से मिल जाए। अब हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कॉस में लिखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू कॉस में लिखने से वन बाई एटीन टू साइन पावर सिक्स मतलब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब थ्री वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर सिक्स वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू दी पावर थ्री बाई टू। अभी कॉस थीटा का पावर कैलकुलेट करेंगे, वन बाई एटीन
कांस्टेंट टर्म कहाँ से आएगा, यहाँ में यह कितना आएगा, a माइनस बी होल क्यूब में कांस्टेंट टर्म टू होगा, वन होगा, वन इंटू टू इज टू, यहाँ पे भी वन होगा, वन प्लस थ्री इज थ्री, यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म सिक्स है। उसके बाद कॉस स्क्वायर यहाँ पे आएगा थ्री ए ए स्क्वायर बी, ए का वैल्यू वन है तो थ्री ए स्क्वायर बी में ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर मिलेगा, थ्री ए स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर, बी मतलब कॉस थीटा, तो थ्री टू जै सिक्स, ये माइनस सिक्स होगा, यहाँ में टू ए बी टर्म में कॉस स्क्वायर होगा, टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, और यहाँ पे ये डायरेक्ट कॉस स्क्वायर है, ये माइनस सिक्स, तो कॉस स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है। और कॉस टू द पावर फोर, यहाँ पे कॉस पावर फोर भी आएगा, कॉस टू द पावर फोर इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कॉस टू द पावर फोर यहाँ पे थ्री ए बी स्क्वायर वाला टर्म, थ्री ए बी स्क्वायर, ए इसको अगर ए माइनस बी होल क्यूब माना तो यहाँ से जो थ्री ए बी स्क्वायर वाला टर्म निकलेगा उसमें कॉस टू द पावर फोर होगा, तो थ्री उसका कोएफिशिएंट उसका पॉजिटिव होगा, माइनस होगा तो इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, थ्री टू जस्ट सिक्स, और यहाँ में पावर फोर वाला तो बी स्क्वायर वाला टर्म, ए माइनस बी होल स्क्वायर का बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी स्क्वायर में कॉस टू द पावर फोर होगा, उसका कोएफिशिएंट वन होगा, वन यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे तो कॉस टू द पावर फोर नहीं है और कॉस टू द पावर सिक्स ऑनली यहाँ से मिलेगा, तो उसका कोएफिशिएंट होगा माइनस टू कॉस टू द पावर सिक्स थीटा, टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी, जो कि वन बाई एटीन 11 माइनस 18 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस टू द पावर 4 थीटा, यहाँ पे 2 था, माइनस 2 कॉस टू द पावर 6 थीटा टू द पावर 3 बाई 2 प्लस सी। सो ये सॉल्यूशन जो मिला है वो हमारा किसके साथ मिलता है, आंसर सी के साथ मिलता है, therefore answer is C, तो ये प्रॉब्लम का आंसर C है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए जो दो स्टेप नहीं लिखा था तो इस प्रकार लिखा जा सकता है, तो ये तीन लाइन लिख दिया है, रिमेनिंग पार्ट इज सेम एज बिफोर। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।